अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन द स्टूल्स। क्या है, क्यों होते हैं, क्या इलाज है और कब ये सीरियस है? जी हाँ, सो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की जब भी स्टूल रिपोर्ट आती है या जब भी पेरेंट्स मुझे आके बताते हैं, द कॉमनेस्ट रीजन इज इट इज फाइबर। यानी अगर आप बच्चे को अच्छी डाइट दे रहे हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड हैं, तो ये अनडाइजेस्टेड बाहर निकल सकता है, पिज्जा नहीं निकलेगा। सो इसका रीजन क्या है? देखिए, फाइबर बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और अगर बच्चे खाना बहुत फास्ट खा रहे हैं या ढंग से च्यू नहीं कर रहे हैं तो टिपिकली ये स्टूल्स में आ जाएगा। कॉमनली थिंग्स लाइक कॉर्न हो गया या पीस यानी कि मटर हो गए या कोई सीड्स वगैरह हो गए, ये स्टूल्स के अंदर अनडाइजेस्टेड बाहर आ जाते। सो द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको बच्चे को बोलना है कि थोड़ा स्लोली खाओ, अच्छे से चबा के खाओ। नाउ इफ दैट डजंट वर्क, देन आई नॉर्मली रिकमेंड कि खाने को थोड़ा सा वेजिटेबल्स को स्टीम कर सकते हैं, उससे वो सॉफ्ट हो जाएंगी और सॉफ्ट होने से आपके बच्चे के स्टूल्स के अंदर वो अनडाइजेस्टेड बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये सीरियस प्रॉब्लम कब हो सकती है? एक्सट्रीमली रेयर इन पीडियाट्रिक्स, बट अगर बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, अगर बच्चे को क्रॉनिक डायरिया लगा हुआ है या बच्चे के स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, इन दिस सिचुएशन वी नीड टू टॉक टू द पीडियाट्रिशियन एंड गेट सर्टन टेस्ट। आई होप दैट हेल्प्स। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। Keep watching, stay safe, and please subscribe and share with other parents, because that is why everyone benefits.